दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और टीवीएस इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जिनको दुनिया की टॉप टू व्हीलर कंपनीज में गिना जाता है। लेकिन जापान की होंडा, सुजुकी और कावासाकी जैसी टू व्हीलर कंपनीज की टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट वेंचर के बिना यह करिश्मा कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास न तो टेक्नोलॉजी थी और न ही रिसर्च और डेवलपमेंट की बुनियादी सुविधाएं। हम मजबूर थे उन विदेशी कंपनीज की सारी शर्तों को मानकर उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही इंडियन कंपनीज को यह लगा कि अब उन्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तो किसी न किसी मुद्दे को आधार बनाकर वह ज्वाइंट वेंचर से अलग हो गए। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स के बीच का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सक्सेसफुल पार्टनरशिप होने के बावजूद भी हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग क्यों हो गए? एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि दुनिया की नंबर वन बाइक प्रोड्यूसर से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और अलग होकर हीरो ग्रुप के सामने आखिर क्या दिक्कतें आई, उनसे निपटने के क्या उपाय किए गए, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? आज की हमारी वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को गहराई से जानने वाले हैं। कहानी शुरू होती है साल 1956 में, जब ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने एक साइकिल स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल्स की शुरुआत की और देखते ही देखते यह कंपनी इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्हें लगा कि दुनिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया तो अभी भी स्कूटर और मोपेड पर ही अटका हुआ है और इसी गैप को पूरा करने के लिए वह इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। एक्चुअली इस डील में होंडा को भी अपना फायदा दिखा, क्योंकि हीरो के जरिए उन्हें इंडिया जैसे बड़े मार्केट में एंटर करने का मौका मिल रहा था। 80s के दौर में किसी भी विदेशी कंपनी को इंडिया में अकेले बिजनेस करने की इजाजत नहीं थी। फिर हीरो और होंडा के बीच ज्वाइंट वेंचर में काम करने पर बात बन गई और साथ में उनके बीच एक NOC भी साइन हुआ कि फ्यूचर में कभी भी दोनों कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट इस्टेब्लिश करने के बाद साल 1985 में जब हीरो होंडा ने CD100 नाम से अपनी पहली बाइक फील इट, सट इट, फॉरगेट इट स्लोगन के साथ लॉन्च किया, तब हीरो होंडा की इमेज एक फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल बाइक की बन गई, जिसमें बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा को करनी थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसे कुछ पॉपुलर बाइक्स ने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। साल 2001 आते आते इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली हो गई और वह दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुंजाल साहब होंडा से अलग क्यों हो गए? असल में ऊपर से तो चीजें अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसमें दो मुद्दे ऐसे थे जो बाद में उनके अलग होने के मेन रीजंस बन गए। सबसे पहला रीजन तो यह था कि साल 2000 के बाद बजाज ऑटो, TVS, यामाहा और सुजुकी जैसे कई नए प्लेयर्स इंडियन मार्केट में आ गए, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर प्रेशर आने लगा। तब होंडा मोटर्स ने इन नए प्लेयर्स के साथ सीधे कंपटीशन करने के लिए साल 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी और एक्टिवा नाम से एक स्कूटर भी लॉन्च कर दिया, जो कि हीरो के साथ हुए उनके एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ था। और दूसरा रीजन यह था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हीरो को अपने बाइक्स नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसियों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी, जबकि होंडा अपने बाइक्स अमेरिका और रसिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। मुंजाल साहब यह बात समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन वह चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना ही पड़ेगा, और इसलिए हीरो अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इंजन डेवलप करने पर खर्च करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच का दरार और भी ज्यादा बढ़ गया और इसका रिजल्ट यह हुआ कि हीरो और होंडा के रास्ते अलग हो गए। जिस होंडा मोटर्स के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी होने का खिताब जीता था, आज वही होंडा ग्रुप उनका सबसे बड़ा कंपटीटर बनकर खड़ा था। दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी कहानी के क्लाइमेक्स में और जानने की कोशिश करते हैं कि होंडा से अलग होकर हीरो ने अपने आप को खड़ा कैसे किया, उनकी अपनी एक ब्रांड इमेज कैसे बनी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके फाइनेंशियल कंडीशंस पर इसका क्या असर हुआ। हीरो होंडा के ज्वाइंट वेंचर में मुंजाल परिवार और होंडा की 26-26% की हिस्सेदारी थी, जिसमें होंडा के 26% स्टेक हीरो ग्रुप ने खरीद कर कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया और डीमर्जर के समय एक एग्रीमेंट हुआ कि साल 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा, जिसके बदले में हीरो को उन्हें रॉयल्टी बोनस देना पड़ेगा और साथ ही मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से ही बेचा जाएगा। मुंजाल साहब के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। उनके पास खुद का R&D सेंटर,
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ 3 से 4 साल का वक्त था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए साल 2014 में राजस्थान के निमराना में अपने पहले प्रोडक्शन यूनिट को शुरू कर दिया। साथ ही जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर की भी नींव रख दी, जो साल 2016 में 850 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को भी दुरुस्त करने के लिए हैवली इन्वेस्ट किया गया और आखिरकार अपने खुद के इंजन के साथ स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसे मोटरसाइकिल्स को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन क्या इतना ही सब कुछ हीरो के सक्सेस के लिए काफी था? शायद नहीं, क्योंकि हीरो को लोग एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के लिए जानते थे। मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम पर बिकती थी। अब हीरो को जरूरत थी अपने ब्रांड इमेज को मजबूत करने की। उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान एक स्टैंड अलोन कंपनी के रूप में बनाने की चुनौती थी। इसलिए एक नया लोगो और एक नई टैगलाइन हम में है हीरो से कंपनी का रीब्रांडिंग शुरू किया गया, जिसमें यूथ को टारगेट करते हुए हीरो मोटोकॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। हीरो मोटोकॉर्प का नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी ब्रिटिश की एक फेमस फर्म वुल्फ ऑलिंस ने डेवलप किया। हीरो ग्रुप ने यहाँ पर भी बाजी मार ली और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप हीरो मोटोकॉर्प के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेल्स फिगर को भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर होंडा से अलग होकर फायदा हुआ या नुकसान। दोस्तों, होंडा मोटर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में अपने 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स के साथ मौजूद है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने होंडा से अलग होने के बाद अपना ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया था और आज 40 देशों तक अपनी पहुंच बना पाया है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्थ लगभग $7 बिलियन था, जो ऑटो सेक्टर की लंबी मंदी और कोविड के बावजूद भी आज लगभग $7.5 बिलियन है, जो कंपनी के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। और वहीं होंडा मोटर्स का नेटवर्थ साल 2011 के $55 बिलियन से घटकर $45 बिलियन हो गया है। और दोस्तों, हीरो होंडा जब मिलकर काम कर रहे थे तो 50% से भी ज्यादा इंडियन 2-व्हीलर मार्केट पर उन्हीं का कब्जा था, जबकि साल 2022 के सेल्स डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 53 लाख 2-व्हीलर बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर कंपनी है, जिसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर मौजूद है, जबकि 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटर्स दूसरे पायदान पर आता है, जिसकी साल 2022 में लगभग 40 लाख यूनिट्स बेची गई थी। और जहां हीरो होंडा के कुल एम्प्लॉइज की संख्या लगभग 6000 हुआ करती थी, आज हीरो मोटोकॉर्प अकेले ही 8600 लोगों को रोजगार देती है। हीरो मोटोकॉर्प के आज इंडिया में 6 और बांग्लादेश और कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ जयपुर और जर्मनी में वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर्स मौजूद हैं। और बात अगर हीरो के प्रोडक्ट लाइन की करें तो स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसे पॉपुलर बाइक्स के साथ ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए एक्सपल्स 200 सीरीज और प्लेजर, मेस्ट्रो और डेस्टिनी जैसे स्कूटर्स भी पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और दोस्तों, साल 2019 में हीरो ने 7.8 मिलियन बाइक्स बेचकर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही यह 100 मिलियन 2-व्हीलर बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इनके टोटल सेल्स का 70% से भी ज्यादा हिस्सा स्प्लेंडर का होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, भले ही मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर हो, लेकिन स्कूटर के सेल्स में सिर्फ 10% मार्केट शेयर के साथ थर्ड पोजीशन पर आता है और होंडा मोटर्स की एक्टिवा इस सेगमेंट की मार्केट लीडर है। समय की मांग को देखते हुए हीरो ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छा खासा निवेश कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।